तो जज साहब क्या सुनवाई किए बताओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों। थंबनेल में मैं लगाई हूँ स्क्रीनशॉट, इसी टॉपिक पे कमेंट आता रहता है और मैं कमेंट को डिलीट करती रहती हूँ कि किसी के नज़र में ना पड़े। लेकिन मैं सोची कि इस कमेंट के बारे में हमें वीडियो बनाना चाहिए और बताना भी चाहिए, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, बनाना भी नहीं चाहती और आगे भी बनाऊंगी भी नहीं। तो अगर किसी को मेरे वीडियो से परेशानी होगा, दिक्कत होगा, तो प्लीज़ आप सब मत देखना, लेकिन हेट कमेंट मत करना। हाथ जोड़ कर निवेदन है, एक इंसानियत के नाते और इंसान हूँ इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए। जो अच्छा करता है वो भी सही है, जो बुरा करता है वो भी सही है अपनी जगह पे। बस हमारा और आपका नज़रिया देखने का सोचने का गलत हो सकता है, लेकिन वो इंसान अपनी जगह पे सही रहता है, उसका कोई मजबूरी रहता है। तो ये पेड़ सूखेगा नहीं, देखिए फूल इसमें आया है, बहुत अच्छे से फुलाएगा, ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम गेंदा को बैठा दिए हैं, यहाँ पर हम पानी को डाल रहे हैं। तो यहाँ बैठा दी हैं एक पौधा यहाँ पर, और एक देखिए यहाँ पर भी लग गया है। तो अभी ये नीम के पास रहेगा, बकरी अगर खाएगी तो नहीं बचेगा और नहीं खाएगी तो बच जाएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, सारा साफ सफाई कर ली और यहाँ शुरू कर दी ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर रख दी हूँ चाय पकने के लिए, यहाँ अदरक कूट रहे हैं, इधर रख देते हैं दाल अंजली, यहाँ ढक्कन लगा देते हैं, जला दी हूँ कुकर, रख देते हैं पकने के लिए दाल, इधर पकाएंगे चाय। आज हम सबका लेट हो गया थोड़ा, तो यहीं पे डालेंगे दूध, दूध डाल दी हूँ, चीनी भी साथ में डाल दी। तो दोस्तों हमारा चाय इधर उबल गया है, दो तीन बार आ चुका है, हमारा चाय पक गया। तो अब तो यहाँ चाय गिलास में निकाल रही हैं, पूरे गिलास में चाय छान दी हूँ। इधर रस ले आए हैं चंदन, नमकीन भी ले आए हैं। तो चंदन का छुट्टी था दो दिन, मजदूरी करने गए थे चंदन, तमाकू उठाने ढोने। तो तुम भी कल हाँ। और कौन? चांदनी। तो यही पड़ोस में दोस्तों हमारे वो भी जेठ जी हैं, और उनके भी इतने बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, तो सब साथ में काम करवा रहे थे। बोले हम 20-20 रुपया देंगे चंदन को, शायद कै रुपया मिलेगा चंदन? 50। चंदन को 50 मिलेगा, दो घंटे काम किए थे। हम नहीं जानते अंजलि नहीं जानती कै रुपये में, अभी मिला कि नहीं मिला, मजदूरी कर आए हैं लेकिन पैसा मिला नहीं है। यही रस खा लेते हैं बस, 11 बजे सब लोग खाना खाते हैं चंदन का। तो यहाँ सब पीने में लगे हैं, तो चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आगे। सब चाय पी चुके हैं, यहाँ पर हम चावल डाल रहे हैं। तो शीतल यहाँ चावल डाल दी हैं और इधर हमारा रोटी बन रहा है बिल्कुल। तो पूरा चार रोटी है, ना ज्यादा ना कम, चावल रोटी को बना लेते हैं, दाल हमारा बन गया है। दोस्तों रोटी हमारा बन गया है, यहाँ पर चावल को चला रहे हैं, शीतल ले जाओ रखाओ बर्तन नल पे। यहाँ पर हम जा रहे हैं नल पर भिगाने। हाँ भिगाने जा रहे हैं, शीतल थोड़ा बोलने में भटक जाती है। तो यहाँ नदी से दिखा दो चन्ना। तो यहाँ हमारा चावल लगभग पक चुका है अभी, लेकिन आधा कच्चा है दोस्तों, क्योंकि पानी सूख गया, पानी कम कर दी शीतल आज। तो चावल को पकने के लिए छोड़ आई, यहाँ किचन गार्डन में आ गई। तो जो गोभी का पत्तियाँ हैं काट देते हैं, क्योंकि अब इसमें दूसरा पौधा लगा दी हूँ। तो ये बैंगन आप सब देख रहे हैं,
कुछ बैंगन मैं तोड़ ली, देखिए पूरे पौधे में करीब 3-4 किलो बैंगन तो होगा। यहाँ पर गोभी की कटाई कर रही हूँ, पत्तियों को बकरियों को दे दूँगी खाने के लिए, और ये फूल जो है निकलना होगा निकल जाएगा। देखिए आज गुलाब का फूल देखिए कितना फुलाया हुआ है। तो दोस्तों इधर लोबिया का पौधा यानी बोंगे का पौधा यहाँ जम गया है, इधर भिंडी जम गई है छोटी छोटी, उधर मूली जमा हुआ है। तो आप सबको मैं दिखाई, इतना हमारे किचन गार्डन में पौधा लगा है। अब इसी तरह पौधे में लग गया है बैंगन, इस तरह देखिए यहाँ पर भी बैंगन सब फरा हुआ है, बैंगन फरा हुआ है, काटा है इसमें भी फरा हुआ है। दिखाओ तो दोस्तों, यहाँ पर फूल गोभी का पौधा काट लाई हूँ। आज भी देखिए गुलाब कुछ इस तरह फुलाया हुआ है, नदी से निकाल के समय तो बड़ा सुंदर लगता है ये फूल सब। तो यहाँ पर आज बिछा दिए हैं गद्दा लाकर। इस समय हमारे यहाँ हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है, धूप भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखिए किस तरह हवा चल रहा है, जूम करो थोड़े पर, हवा बहुत तेज़ से चल रहा है, दिन भर इसी तरह तूफान चलता रहता है। तो शीतल देखिए अगले क्लिप में आप सबको दिखाई थी सुबह सुबह लाकर खेत से पौधा यहाँ लगा दी है, गेंदा फुलाया हुआ है पौधे में, और इस वाले गेंदे में फूल आने वाला है। और तो देखिए दोस्तों आंगन का लोकेशन कुछ इस तरह हो गया है, कुछ इस तरह पौधा इस समय तैयार हुआ है। और ये गुलाब का पौधा लगाई थी, इसको भी तोड़ेगी। तो दोस्तों अभी आप सबको किचन गार्डन दिखाई और फूल पौधा सब दिखाई। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं थोड़ा बात करने के लिए, बीच बीच में इसी तरह कमेंट आता रहता है। थंबनेल पे आप सबको दिखाई हूँ, लगाई भी हूँ, और भैया का कमेंट भी लगाई हूँ। भैया कई जगह पे कमेंट करते हैं, देखकर अच्छा लगता है, हमारे भैया ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। तो हमारी बहन एक बोली हैं, और कई बहन बोलती हैं, भैया भी बोलते हैं, क्या संजय भैया मर गए? तो मत बोलो ऐसा किसी के बारे में, नहीं बोलना चाहिए। और मैं शुरुआत में भाई को जब राखी बांधी थी तभी बोली थी ये मेरे बड़े भाई, जिंदगी भर इनको मैं बड़ा भाई मानती रहूँगी। और दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है, रिश्ता है और रिश्ते में फायदा हो तभी रिश्ता होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि रिश्ता बना रहे जीवन भर, लेकिन रिश्ते में मुनाफा घाटा फायदा नहीं देखना चाहिए। और यह भी नहीं करना चाहिए अगला हमें जब तक दे रहा है इससे फायदा है तब तक हम इसकी अच्छाई बोलें, और जब तक नहीं दे रहा, जब देना बंद कर दे तो बुराइयां करें, नहीं करना चाहिए। अभी तो हमारी बहन लिखी है ऐसा मत लिखिए दीदी, आप नाराज़ हैं भैया से मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि भैया को आप सब शुरुआत में देखे होंगे, भैया वादे भी किए थे वीडियो में, बोले भी थे, फिर भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो समझ रही हूँ मेरे साथ पूरा दुनिया है, बड़ा भाई है वो, और कभी मेरे बारे में गलत नहीं कर सकते ना गलत सोच सकते हैं, और अपनी जगह पे वो भी सही है। और जो भी गलती होगा हो सकता है मेरे तरफ से हुआ होगा। तो आज फिर सवाल तमाम प्रकार का उठेगा, बोलेगे तो मेरे पास दोस्तों आप सबके सवाल का कोई जवाब नहीं है, मैं नहीं जवाब दे सकती इस बारे में। तो आप सब यही दुआ करना, भैया जहाँ भी रहें खुश रहें। देखिए स्क्रीन पे लगा दी हूँ भैया का 3 दिन पहले का कमेंट। तो आप सब भी दुआ करना, भैया जहाँ भी रहें खुश रहें, हम भी दुआ करेंगे भैया जहाँ भी रहें खुश रहें, जितना भी हमारा मदद किए कम नहीं किए दोस्तों, और आप समझ सकते हैं। तो हर रिश्ते में जितना गहरा रिश्ता होता है, अगर गलत रहमी भी होता है तो उतना ही गहराई से होता है। तो हमें तो कोई प्रकार का गलत रहमी नहीं है, और हो सकता है देखिए मैं एक अंक लिखी हूँ आप सबसे पूछती हूँ कि आप सब देख रहे हैं वीडियो में तो आप सबको ये अंक कितना दिख रहा है, आपके तरफ से ये दिखाई दे रहा होगा 81, मेरे तरफ से दिखाई दे रहा है 18, आप सब देखे ना ये अंक, मैं आप सबको दिखाई इधर से, आप सबके इधर से 81 दिख रहा है और मेरे तरफ से 18 दिख रहा है।
तो इसी तरह रिश्ते में भी झोल हो जाता है कई बात लेकर। तो यही बात बोलना था दोस्तों, और हमें कुछ नहीं बोलना है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, भैया भी अपने जीवन में बहुत खुश हैं। खुश होना जरूरी है दोस्तों, हमें धन दौलत खाने पीने का चीज का मोह माया इतना कुछ भी नहीं है। बस भगवान स्वस्थ रखें, ठीक रखें, यही बस दुआ है। देखिए भैया हमारा 1 साल मदद किए, 1.5 साल मदद किए, बहुत किए। और आप सब ध्यान से देखिए कि आज मेरा जीवन 16-17 साल से ससुराल में चल रहा है, परेशानी चल रहा है, 17-15 साल काट ली। हमें 1 साल भैया 1.5 साल मदद किए, थोड़ा हमारा आर्थिक स्थिति ठीक हुआ। फिर भी आगे जिंदगी है, कितना लंबा है, कितना वो हमारा मदद करेंगे। बस आप सब नाराज न होना, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं ये नहीं चाहती दोस्तों कि कोई अगला किसी को आगे मदद ना करे, डरे। मैं भैया से कहूँगी, हम जैसे लोगों का जो गरीब है आगे, उनका भी आप मदद जरूर करना, आपसे भी आप सब भी मदद करना। अगर हम भैया को कोई कमियाँ देखते हैं, उनकी अच्छाई इग्नोर करते हैं, तो मेरे से बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। भैया कहीं गलती भी कर देते हैं तो उनके गलती पर पर्दा डालना हमारा कर्तव्य है, हमारा भी गलती है तो उसमें पर्दा डालना भैया का कर्तव्य है। ये तो रिश्तों पे निर्भर करता है दोस्तों। वैसे हमारे बहुत से भाई बहन मदद किए हैं, अब भी मदद करते हैं बीच बीच में। अब भी हमारे देखिए कनाडा की हमारी दीदी, यूरोप की हमारी भैया दीदी अब भी मेरे साथ हैं। ये समझ लीजिए कदम से कदम मिलाकर अभी वो चलते हैं। और हमारी बाकी कोलकाता की दीदी हैं, दिल्ली की दीदी हैं, फैजाबाद की हैं, अभी सब हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। कहीं हमें गिरने का चांस नहीं देते, गिरने का मौका नहीं देते। और आप सब भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है। तो यूट्यूब पर तो बहुत से लोग आए, सब वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जितना हमारे जनता भाई बहन हमारे बच्चों को प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, शायद किसी यूट्यूबर को मिला होगा। धन्य हो गया हम सबका जीवन। और अभी हमारे बच्चे देखिए, कोई गरीब के बच्चों को बेटा अपना बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन कमेंट में हमारी एक दो बहनें हैं, दीदी हैं, बेटा बोलते हैं। और हमारी एक एक बहन बोलती हैं, अंजलि मेरी बिटिया रानी, शीतल मेरी बिटिया रानी, चंदन मेरा बेटा। हमें बहुत खुशी लगता है देख कर। तो आप सबको मैं बताई भैया के बारे में, भैया ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो बहन से, सभी भाई बहन से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज ऐसा कमेंट मत कीजिए। और भैया को बड़ा भाई दिल से मानती हूँ, सदा मानती रहूंगी, जब तक जिएंगे तब तक, मर जाएंगे उसके बाद में कोई बात नहीं है। अब उन पर निर्भर है वो क्या सोचते हैं, कैसे उनके अंदर क्या है, हमें नहीं मालूम, तो इतना बताती हूँ। तो अंजलि फिल्म देख रही थी, देखिए लकड़ी निकाल लाई है, ऑर्डर ऑर्डर कर रही है। क्या जज साहब, क्या सुनवाई किए बताओ। तो जज साहब ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं, और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की। अच्छा नहीं लगता है ऐसा कमेंट। दुनिया में सभी भाई बहन जो हमारा मदद किए, जहाँ रहे सब खुश रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट कर प्लीज, ना फिर पे कर दो।